देखो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस रिएक्शंस इन विच alcohol molecule is involved as a whole. Reactions in which alcohol molecule is involved as a whole, जिसमें पूरा alcohol का molecule involved हो, उन reactions को हम discuss करेंगे इसमें। तो first reaction है ये अपने पास, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस मीन्स बेटा रिमूवल ऑफ H2O। Removal of H2O. For example, in dehydration reactions is CH3, CH2, OH. अब ये जो dehydration reaction है इसके अंदर अपन reaction कराएंगे concentrated H2SO4 के साथ different temperatures. Concentrated H2SO4 at 110 degree Celsius, 140 degree Celsius and 170 degree Celsius. तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 OSO3H। सेकेंड 140 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 OCH2 CH3 इथोक्सी इथेन प्लस H2O प्लस H2O और 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O। तो ये रिएक्शंस होंगे अपने पास। अब इन रिएक्शंस के अंदर से हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, जस्ट एसिड H ग्रुप जुड़ गया है इसके अंदर, ये 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अब सेकेंड मॉलिक्यूल में जो इथोक्सी इथेन है, इथोक्सी इथेन बना है, इस इथोक्सी इथेन में यहाँ पे अपने पास दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिकुलर मींस दो अलग अलग मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये जो रिएक्शंस हैं इसको एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दैट इज वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड विद इन वन मॉलिक्यूल। और फर्स्ट रिएक्शन में तो जनरल वाटर रिमूव हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन टाइप की तरह रिएक्शन हो रही है वो। तो इसमें देखो अब इसके अपन मैकेनिज्म देखते हैं दोनों, फर्स्ट दोनों को मैकेनिज्म को कंपेयर करेंगे, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी आएगी ये रिएक्शन, वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, वहाँ जनरल बोल देंगे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में पढ़ा था। तो देखो फर्स्ट डिहाइड्रेशन लेते हैं बेटा अपन इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर, ये सेकेंड अपने पास हो गया यहाँ पे सेकेंड इज इंटरमोलिकुलर एंड फर्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है अपने पास, इसमें फर्स्ट स्टेप होगी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल दोनों में, इन बोथ द केसेस द रिएक्शन रिमेन्स सेम। फर्स्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे भी फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट स्टेप रिमेन्स एज सच प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे एसिड हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ले रहे हैं और कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करेगा एसिड इसके अंदर। अब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में फर्स्ट अपने पास जैसे CH3 CH2 OH2 OH
ओके ऊपर एक लोन पेयर है, अब इसमें एच प्लस को ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये एच प्लस को जब अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू पॉजिटिव, सेम रिएक्शन हियर एज सच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, यहाँ पे एच प्लस को ये अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा इसके अंदर वही सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू पॉजिटिव। अब यहाँ इन दोनों केसों में हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच मेक्स इट अनस्टेबल, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो इसमें क्या बात है बेटा, अपने पास अगर जैसे अनस्टेबल बना रहा है इसमें, तो अनस्टेबल बना रहा है तो इसमें टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन के अंदर 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें टेम्परेचर इतना हाई होता है कि सेकेंड स्टेप में इमीडिएटली रिमूवल ऑफ एच टू हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है तो बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ एच टू, क्योंकि ये जो ओ एच टू पॉजिटिव ग्रुप है ये अपना स्ट्रॉन्ग क्या लगाएगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर इसमें से अलग हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर अलग होगा तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा बेटा दिस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस एच टू ओ, तो एच टू ओ माइनस होगा तो यहाँ से अपने पास ये कार्बोकेटायन बन गया। तो अब सबसे खास बात, तो कार्बोकेटायन बन गया, अब जहाँ भी कार्बोकेटायन्स के अंदर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा, तो हम डिफरेंट केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी, वहाँ पे वो काम अपने को करवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सी एस थ्री ग्रुप है इसके ऊपर ये अपना लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और लास्ट स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा बेटा रिमूवल ऑफ एच प्लस, एच प्लस का रिमूवल। अब रिमूवल ऑफ एच प्लस में ये सी एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव माइनस एच प्लस, माइनस एच प्लस होगा तो सी पे माइनस आ जाएगा और ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथीन विल बी फॉर्म्ड। अब इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें देख रहे थे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन इसमें देखते हैं सेकंड रिएक्शन, देखो इसमें तो टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेटा अपने पास, यहाँ पे टेम्परेचर है हियर टेम्परेचर इज 140 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो उसके कंपैरिजन में सेकंड स्टेप में होगा अपने पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ, ये डिफरेंस है इसलिए मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल सी टू एच फाइव ओ एच, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इसके अंदर ये इसके ऊपर अटैक करेगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर रिएक्शन होगी सी एच थ्री दिस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये जब अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ओ एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके अलग हो जाएगा और सी एच टू के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये जो सी टू एच फाइव ओ एच है यहाँ पे ओ के ऊपर ये अपनी आ गई लोन पेयर, तो ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देगी, तो ये उसके ऊपर अटैक करेगी तो ये अपने पास बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ और एच के ऊपर आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, ओ के ऊपर ओ एच पॉजिटिव और ये सी एच टू सी एच थ्री, फिर यहाँ पे बोलेंगे अपन ये जब इमीडिएटली इसके ऊपर अटैक करेगा तो इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, यहाँ पे वही बात अपनी कंडीशन लग जाएगी पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड स्टेप में अब रिमूवल ऑफ एच प्लस, बिकॉज एच प्लस वी आर टेकिंग एज अ कैटलिस्ट, सो रिमूवल ऑफ एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच पॉजिटिव सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ से माइनस हो जाएगा एच प्लस तो ये अपने पास बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ सी टू एच फाइव, मीन्स इथोक्सी इथेन विल बी फॉर्म्ड,
इथोक्सीथेन ईथर विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीहाइड्रेशन रिएक्शन. वाटर तो दोनों में रिमूव हो रहा है, लेकिन इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर से जब रिमूव होगा तो ईथर बनेगा, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से रिमूव होगा तो अपने पास इथीन विल बी फॉर्म्ड. यह डीहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इसके अंदर. यस सर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये अपने पास ये जो है यहाँ पे दिस कार्बोकेटायन, दिस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट. दिस कार्बोकेटायन हियर इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट. तो ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, तो यहाँ से इसके अंदर मतलब जहाँ भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट अपने को करवाना पड़ेगा. जहाँ भी कहीं भी ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है अपना, इस कार्बोकेटायन के अंदर जहाँ भी कहीं भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट उस केस के अंदर अपने को करवाना पड़ेगा. ये बात याद रखनी पड़ेगी. जैसे प्राइमरी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आप लोगों को करवाना पड़ेगा. इसके अंदर लेस स्ट्रेंड रिंग है, लेस स्ट्रेंड रिंग मोर स्ट्रेंड रिंग के अंदर, ये मोर स्ट्रेंड रिंग लेस स्ट्रेंड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको बदलना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. फिर लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ H2 हो जाएगा. तो ये डिफरेंस है भी इसके अंदर, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन. नाउ द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. और हियर यहाँ पे जो रूल याद रखना है आपको, सेटजीफ रूल. सबसे पहले सेटजीफ रूल, देखो बेटा अपन ये क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दिस कार्बोकेटायन दिस इज द कार्बोकेटायन दिस कार्बोकेटायन हियर इज फॉर्म्ड. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. नहीं दिख रही सर. देखो दिस इज द कार्बोकेटायन हियर, दिस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट. सो इसके अंदर अपने को ये नोट याद रखना पड़ेगा कि इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन इट शुड बी डन. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दीज रिएक्शंस. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट more examples of for example here we are taking the alcohol CH3 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 CH2OH. अब इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, वही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो वही बीटा पोजीशन से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया तो इसमें फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2. यस और नो? दिस विल बी द एल्कीन फॉर्म्ड प्लस H2O विल बी रिमूव्ड. सो हियर द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन इन एल्कोहल, सेटजीफ रूल. सेटजीफ रूल इज नोट दिस सेटजीफ रूल और जेटसेव रूल भी बोलते हैं इसको हम. ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन और इसमें एलिमिनेशन भी बीटा एलिमिनेशन होगा.
मोर सब्स्टिट्यूटेड more substituted alkene will be formed as a major beta elimination means जहाँ से OH group बाहर निकलेगा उसकी beta position से H positive बाहर निकलेगा. तो ये example जैसे यहाँ पर ये इसकी beta position हो गई है तो beta elimination reactions भी बोलते हैं इसको. और alcohols जो है dehydration of alcohols जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है वो इवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा. इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोट और लगा सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स दे विल ऑलवेज फॉलो सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स विल फॉलो इवन मैकेनिज्म एंड प्राइमरी अल्कोहल्स दे विल फॉलो E2 मैकेनिज्म. E2 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इवन मैकेनिज्म अपना दो स्टेप में प्रोसीड करेगा. दिस विल टेक प्लेस इन टू स्टेप्स और इनके अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा. जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट आपको करवाना पड़ेगा. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये अपने पास अल्कोहल है CH3 OH CH2CH3. अब देखो बेटा इसमें अपन इसकी रिएक्शन करानी है. टर्सरी अल्कोहल है अपने पास कंसनट्रेटेड H2SO4. तो यहाँ से जब OH निकलेगा तो इसकी बीटा पोजीशन अपने पास कितनी होगी, दो तीन बीटा पोजीशन होगी इसकी. ये पोजीशन जो है ये भी इसकी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है. लेकिन इसमें सेटजीफ रूल लगेगा तो एलिमिनेशन वहाँ से होगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा तो अपने पास ये बन जाएगा इसमें CH3 double bond CH CH3. तो इसमें अपने पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए टोटल. एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया इसमें फर्स्ट सेकंड और ये थ्री, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए. अगर यहाँ से कहीं से भी एलिमिनेशन होता तो इसके ऊपर ओनली दो सब्स्टिट्यूएंट होते तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. अब माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर, माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे इन दोनों पोजीशन से इनको अपन मार्क कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये तो बीटा वन, ये भी बीटा वन पोजीशन है, ये भी बीटा वन है, दोनों सिमेट्रिकल है और ये बीटा टू है. ये मेजर प्रोडक्ट जब बनेगा जब बीटा टू से एलिमिनेशन होगा. और अगर बीटा वन से एलिमिनेशन होता है तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास CH CH3 CH2 CH3. सो दिस एलिमिनेशन अकर्स व्हेन एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम बीटा वन कार्बन, बीटा वन से एलिमिनेशन होता है एंड दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट बिकॉज हियर दिस एल्कीन इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर, ये माइनर प्रोडक्ट, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो जाएगी इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट. तो इस तरीके से अपन इसमें डिफाइन करेंगे. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल सेम दीज रूल्स आर अकॉर्डिंग टू एल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन्स एल्काइल हैलाइड्स के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं ये अपने पास एक साइक्लिक कंपाउंड है. तो ये साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, ये NCERT में भी हमने डिस्कस किया था हैलोजन्स के अंदर यहाँ पे OH की जगह बस CL लगा हुआ था, उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई थी. अब यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है. अब देखो अपने पास अगर इंटरमीडिएट बनाए इसका स्टेप वाइज तो ये कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे CH3 और इस पोजिशन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब इसमें देखो फिर बेटा एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है इसमें, इसमें एलिमिनेशन ये जो पोजीशन है ये भी इसकी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, तो ये तो आइडेंटिकल होगी और ये भी बीटा पोजीशन है. तो इसमें दो तरीके से एलिमिनेशन पॉसिबल है, तो दो जगह से एलिमिनेशन होगा इसमें. इसको मान लेते हैं हम बीटा वन और ये टू पोजीशन से, तो बीटा वन पोजीशन से जब एलिमिनेशन करवाते हैं तो अपने पास ये एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CH2,
और जब बीटा टू से एलिमिनेशन होता है तो बीटा टू से एलिमिनेशन होगा तो अपने पास ये एल्कीन बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सो दीज एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड। ये होगा इसके अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में, ये होगा अपने, ये होगा माइनर प्रोडक्ट क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और ये बनेगा अपने पास, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें सी एस थ्री देखो इसमें शायद रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर अपन फर्स्ट स्टेप में वही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH- बाहर निकलेगा तो -H2 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, एंड अपने पास कार्बोकेटायन ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब इसमें देखो अगर यहीं से एलिमिनेशन होता है तो इसमें एलिमिनेशन या तो इसकी बीटा पोजीशन एक तो ये है, ये इसकी बीटा पोजीशन है लेकिन इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और एक ये इसकी बीटा पोजीशन है, तो अगर इस बीटा पोजीशन से इसको बीटा वन मान लेते हैं हम, तो बीटा वन में से एलिमिनेशन होता है तो अपने पास जो एल्कीन बनेगी बेटा इसमें ये CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी। अब देखो ये तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट के वजह से बनेगी, जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा उसकी वजह से, ये बिना रीअरेंजमेंट के, तो बिना रीअरेंजमेंट के होगी तो ये तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगी, दिस विल बी लीस्ट अमाउंट। अब इसके अंदर ये अपने पास जो कार्बोकेटायन है ये सेकेंडरी है, तो इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन के अंदर अगर रीअरेंजमेंट करवा के हम, रीअरेंजमेंट कैसे होगा इसमें, एक मिथाइल ग्रुप को CH3 नेगेटिव को यहाँ से शिफ्ट कराएंगे इसके ऊपर, जब एक CH3 ग्रुप को इसके ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये कार्बोकेटायन बनेगा CH3 C, बन गया टर्शियरी कार्बोकेटायन क्योंकि ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी था, यहाँ पे CH3 CH, इसके ऊपर एक मिथाइल ने सब्स्टिट्यूट हो गया और ये CH3 फॉर्म्ड। अब इसकी जो बीटा पोजीशन है उनको मार्क करो, इसकी बीटा पोजीशन, ये जो कार्बोकेटायन है इसकी बीटा पोजीशन, ये तो बीटा वन, ये भी बीटा वन है क्योंकि दोनों आइडेंट सिमेट्रिकल हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है बेटा ये अपने पास है बीटा टू। अब इसमें दो तरीके से एलिमिनेशन होगा अपने पास, एक तो यहाँ पे बीटा वन से, तो बीटा वन से एलिमिनेशन होता है तो ये बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट हो गए दो अपने पास, और अगर अपने पास एलिमिनेशन होता है बीटा टू से तो बीटा होता है तो ये बन जाएगा अपने पास दिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड डबल बॉन्ड सी, ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट, ये जो बनेगा अपना ये होगा इसके अंदर मेजर, दिस विल बी इन मेजर, ये मेजर अमाउंट में क्यों होगा क्योंकि यहाँ से अपने पास जो बन रहा है बेटा ये यहाँ से बन रहा है, इसके अंदर दो अपने पास ये चार सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसमें पूरा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, चार, तो ये मोर स्टेबल एल्कीन भी होगी, इसके अंदर दो ही सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये मेजर होगा, तो ये माइनर क्वांटिटी के अंदर बनेगा। तो इसके अंदर मान लो इस क्वांटिटी को हम इसको मान लें ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो जो मैक्सिमम यहाँ पे सी ग्रेटर देन बी एंड ये सी विल बी ग्रेटर देन बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन सी, सी ये ए सॉरी ए विल बी इन लीस्ट, बहुत कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि वजह से बनेगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये कंसेप्ट इसमें? Here is the examples of
रिंग एक्सपेंशन, देखो रिंग एक्सपेंशन के लिए फॉर एग्जांपल अपने को डिहाइड्रेशन रिएक्शन करानी है, ये एग्जांपल है अपने पास इसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे कंसंट्रेटेड, ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 और यू वी कैन यूज H3PO4, बोथ आर एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो इसमें अपने पास सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन जब होगा इसमें ये OH ग्रुप जब बाहर निकलेगा तो यहाँ इस सेंटर के ऊपर पॉजिटिव सेंटर आ गया अपना, अब यहाँ से क्या होगा इसके अंदर, इधर से कर दो या इधर से कर दो, रिंग के अंदर क्लीवेज होगी, तो रिंग में क्लीवेज होगी तो ये जो दोनों सेंटर है ये यहाँ के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ से गए हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसके पास गए हैं तो उसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी अपने पास इस तरीके से, ये यहाँ पे ये चार्ज जुड़ा हुआ रह गया और ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर। अब इसमें देखो बेटा ये अपने पास जो कार्बो कैटायन है ये सेकेंडरी है, अब यहाँ पे एक अपना हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो इसमें एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा किस तरीके से, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से लेके और ये इस कार्बन के ऊपर जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिर टर्सरी के अंदर, तो टर्सरी में कन्वर्ट होगा तो अपने पास ये बन गया 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और वो हाइड्रोजन वहाँ से लॉस हो गया। अब इसकी ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है तो इसमें दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो दोनों से सेम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, कहीं से भी इसके अंदर एलिमिनेशन करा दो तो दिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये अपना यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रीअरेंज यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट के बाद ये एल्कीन बनेगी इसके अंदर, ये इस तरीके से रिंग का एक्सपेंशन क्लियर है या नहीं है बताओ बेटा। यस सर बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर रिंग एक्सपेंशन के अंदर। अरे बोलो। नो सर देखो और एग्जांपल्स देखने इसमें, देखो और कुछ एग्जांपल्स, एक लेट अस सी, ये यहाँ पे OH है फिनोल, ये सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉल ग्रुप है और इसके ऊपर ये ऐसे रिंग बना दी हमने 5 मेंबर्ड रिंग, ये जुड़ी हुई है इसके, तो इसके सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा इसमें। देखो इसमें वो सबसे पहले OH ग्रुप माइग्रेट होगा तो OH ग्रुप जब बाहर निकलेगा माइनस H2O हो जाएगा यहाँ पे माइनस H2O, तो माइनस H2O होगा तो ये अपने पास यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर तो आ गया ये पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरीके से बना रह गया। अब ये देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से एलिमिनेशन कहाँ से किस तरीके से हो एलिमिनेशन, इसमें रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग पॉसिबल है, इसमें यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें इसको मार्क कर सकते हो आप लोग, जैसे ये मान लो 1 मार्क कर दिया इसको तुमने 1 कार्बन, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर हम यहाँ भेज दें यूँ तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में आ जाएगा, अगर इसको इधर भेज दें यूँ तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ सेंड कर दिया हमने तो इस सेंटर के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो अपने पास ये बन जाएगी रिंग, ये इस तरीके से रिंग और यहाँ पे इसके अंदर टोटल कार्बन 4 हैं, ये ऐसे 4 कार्बन की ये मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा ये पॉजिटिव, अब यहाँ पे ये ही मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये एलिमिनेट होगा तो माइनस एच प्लस होने के बाद अपने पास ये एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट इसमें। इस तरीके से तो ये अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये रिंग एक्सपेंशन, ये कैसे हुआ इसमें रिंग में? जैसे कभी भी एक्सपेंशन में आपको प्रॉब्लम आए कि कहाँ कौन मूव करेगा तो उसको जैसे हमने ऐसे मार्किंग करी है ना, मार्क कर लो, देखो अगर ये जब डबल बॉन्ड को तुमने मान लो, अगर तुम ये कहते सर हम तो इधर शिफ्ट करवाएंगे इसको, तो दूसरा केस ले लो इसमें,
दूसरा केस लेते हैं, ये जैसे ग्रीन से मार्क कर रहे हैं हम, तो इसमें ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ये मान लो यहाँ से और ये यूँ जाता है इधर, तो यूँ जाता तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता भाई, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव था इस सेंटर के ऊपर, ये पॉजिटिव तो ये डबल बॉन्ड इधर गया जब आया, ये डबल बॉन्ड जब इधर आता तो यहाँ नेगेटिव आता और यहाँ पॉजिटिव आता, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो जुड़ नहीं पाते, और ये नेगेटिव पॉजिटिव में से यहाँ से H प्लस का एलिमिनेशन होकर यहीं डबल बॉन्ड लग जाता, लेकिन उसमें एक तो 5 मेंबर की रिंग रहती है और एक 6 मेंबर की, अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया इसके अंदर और एक दोनों 6 मेंबर की रिंग बन गई, तो 6 मेंबर में लेस स्ट्रेन होगा ना। यस सर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? अब देखो नेक्स्ट केस, जैसे डिहाइड्रेशन करानी हो, अब वो ये भी देखनी है आपको कि कंजुगेट पोजिशन के अंदर तो नहीं आ रहे हैं कहीं भी, जैसे कंजुगेट पोजिशन के अंदर ये है अपने पास एक ये डबल बॉन्ड है और ये OH ग्रुप है, अब इसके अंदर डिहाइड्रेशन करानी है तुम्हारे को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वही, या कंसनट्रेटेड H3PO4 के साथ, तो देखो यहाँ से जो OH माइनस जब बाहर निकलेगा तो इसमें ये बन जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था, ये ऊपर वाले में भी थोड़ा चेंज हो गया, ये यहाँ से इस तरीके से ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब देखो यहाँ से एक H एलिमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ से जो H एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव कंजुगेशन, दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएंगे, तो इसके अंदर ये वाली एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट, तो ये क्यों बन रही है मेजर, बिकॉज टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी तो ये मोर स्टेबल होगा, तो इस तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करना हो, इस तरीके से दो तीन एल्कोहल बना के दे दिए हमने, फॉर एग्जाम्पल एक एल्कोहल है अपने पास, देखो ये एल्कोहल है अपने पास एक ये है अपने पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे इसमें, और एक में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें आपको बताना है, बताओ बेटा सबसे ज्यादा किस में होगा इसमें रेट हाइड्रेशन, पहले वाले में सबसे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में से यहाँ से जब OH निकलेगा तो OH निकलेगा ये बन जाएगा ना will be formed, और वो ring stabilized होगा, फिर second के अंदर दो double bond अभी बनाया था अपन ने, conjugation में आएंगे ऐसे, और first के अंदर एक ही double bond आएगा, तो उसमें resonance की कोई condition नहीं है first के अंदर, बोलो, तो ये सबसे ज़्यादा rate of dehydration इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, बोलो बेटा clear है या नहीं? Yes sir. Yes sir. सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेन एल्कोहल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व एज अ होल, तो फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन विद कॉपर, ऑक्सीडेशन विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, दीज आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर इसमें प्राइमरी एल्कोहल लिया है आपने RCH2OH, ये एल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम में ली जाती है, तो कॉपर 300 कैटालाइटिकल, दीज रिएक्शंस, दीज अबव रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो याद रखना आपको RCH कन्वर्ट हो जाएगा LDI, अगर इन्हीं रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे मान लो सेकेंडरी एल्कोहल ले लो तुम, ये सेकेंडरी एल्कोहल है RCHOHR, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ अगर जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे वो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, अगर टर्सरी एल्कोहल लिया है अपन ने तो टर्सरी एल्कोहल हो गया अपने पास फॉर एग्जांपल CH3OH,
सेम जब कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा हम, तो कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, और डिहाइड्रेशन से विल द मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा प्लस टू. डिहाइड्रेशन अकर्स विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस. डिहाइड्रेशन अकर्स, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बेटा ये सबको, ऑक्सीडेशन विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस? यस सर. सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन. यस यस सर. ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो दिस सेम जैसे अपने पास पहले प्राइमरी अल्कोहल है R, तो यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास प्लस सिक्स है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का कराएगा रिडक्शन. तो यहाँ पे H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा अपने पास, पहले तो ये RCHO एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, इंटू RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये फाइनली, और जो क्रोमियम है वो प्लस थ्री में रिड्यूस हो जाएगा, तो प्लस थ्री के अंदर इसका वॉयलेट कलर आ जाएगा. और ये रिएक्शन दिस ये ड्रिंकर पर्सन दारू पिए हुए इंसान को भी पकड़ पहचानने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि वो क्रोमियम का कलर चेंज हो जाता है. दिस K2Cr2O7 दिस सॉल्यूशन इज ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है, तो ये खुद का अपना रिडक्शन करा लेता है. अब ये अपने पास मान लो सेकेंडरी अल्कोहल है RCHROH, तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा अपने पास, तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट कीटोन. और कीटोन का उस तरीके से फर्दर रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, उसकी हीटिंग कराने के बाद अभी बताएंगे पोपोप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा. नेक्स्ट यहाँ पे अगर टर्सरी अल्कोहल है RCROH, ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे जब एसिडिक K2Cr2O7 के साथ, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर. तो दिस इज हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल. अब इसके अंदर एक नोट याद रखना है आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग when a strong oxidizing agent is used, जब strong oxidizing agent use होगा like nitric acid और K2Cr2O7, K2Cr2O7 at high temperature, इन दोनों में से कोई भी जब यूज़ करेंगे हम हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये अपने पास बन जाएगा बेटा R जैसे अल्कोहल इसमें, तो पोपोप्स रूल फॉलो होगा इसके अंदर. पोपोप्स रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप सेपरेट्स आउट विद कार्बोनिल ग्रुप सेपरेट्स आउट विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. देखो कैसे, जैसे अपने पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए है ये CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH2CH3 है. अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है तुम्हारे को, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओ बेटा जब तुम्हारे पास यहाँ से जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ये हो गया, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इनके साथ अलग हो जाएगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ
CH3COOH will be formed. इस तरीके से होगा इनका ऑक्सीडेशन कीटोन्स का, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का, कि कार्बोनियल ग्रुप सेपरेट्स आउट विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. फॉर एग्जांपल दूसरा ले लिया कीटोन आपने CH2CH3. अब देखो वही स्मॉलर एल्काइल ग्रुप CH3 है, यहाँ से जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो छोटा एल्काइल ग्रुप CH3 है, तो एक तो बन गया दो कार्बन का एसिड CH3COOH, और एक बन जाएगा तीन कार्बन का एसिड CH3CH2COOH. तो दीज एसिड्स विल बी फॉर्म, दो कार्बन का एसिड प्लस तीन कार्बन का एसिड. ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विद पोपोव्स रूल. क्लियर है क्या बेटा ये? और ये इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई? यस. हो रही है किसके अंदर? एल्डिहाइड हो रही है जो कीटोन्स हैं, ये फाइनली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब अपने को ऑक्सीडेशन बीच में ही रोकना हो, फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन. सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन का मतलब अगर बीच स्टेप में रोकना हो तो इसके अंदर स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे, थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. माइल्ड मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे इसमें, ठीक है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे अपने पास सेरेट रिएजेंट होता है, एक सेरेट रिएजेंट बोलते हैं हम पिरिडिन, इसको बोलते हैं पिरिडिन प्लस CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. तो इसके अंदर 2 moles ऑफ पिरिडिन इस टू वन रेशो को बोलेंगे सेरेट रिएजेंट. और इसके अंदर एक होता है अपने पास कोलिन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट एंड कोलिन्स रिएजेंट. कोलिन्स रिएजेंट के अंदर अपन कोई भी इसके अंदर सॉल्वेंट यूज में लेते हैं कोलिन्स रिएजेंट, लाइक ये पूरा सेम रहेगा प्लस मिथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2 इज यूज एज अ सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट. और एक होता है कोरेज रिएजेंट. कोरेज रिएजेंट के अंदर 1 mole पिरिडिन का होता है ये यहाँ पे प्लस CrO3 प्लस HCl, इनका 1:1 को बोलते हैं हम कोरेज रिएजेंट. तो ये सारे जो भी रिएजेंट हैं इनमें से, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, तो RCH2OH में से इनमें से कोई सा भी रिएजेंट ले लो तो वो उसको एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज रोकेगा. माइल्ड मतलब हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ये मान लो सेकेंडरी अल्कोहल है RCHR, सेकेंडरी अल्कोहल्स का जब इनसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इनसे कीटोन्स विल बी ऑब्टेंड. इस तरीके से होगी ये रिएक्शंस, इनकी डी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. और एक इसके अंदर लास्ट में अपने पास एक आता है ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन. ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब है अपने पास कि जिसमें प्रोटोन ना हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में. तो ये वो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई थी ऐसे रिएक्शन है, जैसे इथेनॉल ले लिया. तो इसमें याद रखना है कि होता है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है एल्यूमिना Al2O3, ए प्रोटोनिक डिहाइड्रेशन. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी अपने पास अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे होती है और एक 350 पे, दिस ओनली डिफरेंस ऑफ 250 पे तो ईथर बन जाएगा CH3CO CH2CH3 प्लस H2O, और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो इथीन फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड. ये जो है एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. और ये एग्जाम्पल है उल्टा बोल दिया मैंने, ये तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन का है और ये